सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Asus ZenFone Max Pro M1 के न्यू अपडेट के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं Asus ZenFone Max Pro M1 के लिए न्यू अपडेट आ गया है, तो इसको कैसे डाउनलोड और इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फ़ोन सेटिंग्स में जाके बताऊंगा ये न्यू अपडेट के बारे में। तो जस्ट फोन सेटिंग्स में जाइए, सिस्टम में जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम अपडेट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू अपडेट अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ओल्ड वर्जन बताऊँगा अपडेट करने से पहले। तो जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ओल्ड वर्जन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी पैच लेवल अप्रैल 1 का बता रहा है। चलिए दोस्तों, अभी अब हम हमारे फ़ोन को जो है अपडेट करना शुरू करते हैं। तो अपडेट करने के लिए सिस्टम अपडेट पे जाइए। जाने के बाद जस्ट यहाँ पे एस पे क्लिक कीजिए। एस पे क्लिक करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पे थोड़ी देर आपको वेट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट जो है डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे सिर्फ आप वेट कीजिए और आप अपने फ़ोन को डिस्टर्ब मत कीजिए, आपको सिर्फ वेट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड जो है कम्प्लीट होने में है, तो थोड़ी देर में डाउनलोड जो है कम्प्लीट हो जाएगा। जैसे डाउनलोड कम्प्लीट हो जाएगा आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और डिले भी आप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी देर बाद इंस्टॉल करना है। तो जैसे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेता हूँ और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरा जो इंस्टॉल है प्रिपेयर हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिपेयरिंग टू अपडेट, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। ये भी मैं क्लिप जो है फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर वेट कीजिए दोस्तों। दोस्तों, जैसे आपका डिवाइस जो है अपडेट हो जाएगा, आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे भी आपको पेशेंस रखना है, तो थोड़ी देर वेट कीजिए ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक। ये भी क्लिप मैं जो है फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आपका जो प्रोसेस है दोस्तों कंप्लीट होने में है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा डिवाइस जो है ऑटोमेटिक जो है टर्न ऑन होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो डिवाइस है टर्न ऑन हो रहा है। तो जैसे आपका डिवाइस दोस्तों टर्न ऑन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनिशिंग एंड्रॉयड अपडेट, ये लास्ट मेथड है दोस्तों। सो ये प्रोसेस भी कंप्लीट होने तक आप थोड़ी देर वेट कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस जो है कंप्लीट होने में, जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, फिर से सक्सेसफुली सिस्टम अपडेट। सो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं अभी आपका जो डिवाइस है टोटली अपडेट हो गया है, तो जस्ट ओके पे क्लिक कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं और हम सेटिंग्स में जाके देखेंगे, सेटिंग में जाके सिस्टम में देखेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट फ़ोन, अबाउट फ़ोन में जाने के बाद देख सकते हैं फाइनल पिछले अपडेट में हमको मिला था अप्रैल 1 और यहाँ पे हमको मिल रहा है May 1 एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्ड नंबर भी चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने Asus ZenFone Max Pro M1 को अपडेट को डाउनलोड और इंस्टॉल इजी तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बिना मत जाना। इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं हिंदी में, सो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में जो भी डॉट्स है कमेंट सेक्शन में अपने जो डॉट्स को जो है क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।